अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं के परीक्षा परिणाम में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है और पहले तीन पादानों पर मेधावी छात्राओं का ही कब्जा रहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। देश भर में कुल 10,67,900 छात्र छात्राओं में से 83.5% उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार भी परिणाम छात्राओं के पक्ष में गए हैं और छात्राओं ने बाजी मार ली है। दिल्ली की सुकृति गुप्ता ने 97.2% अंक लाकर देश में टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। पहले तीन पदानों पर छात्राओं का ही कब्जा है। डीएवी स्कूल जमशेदपुर का रिजल्ट इस बार भी 100% रही। कॉमर्स में 95.4% अंक लाकर सुकन्या ने अपना डंका पीटा। वहीं छात्रों में अनिमेश सरकार ने साइंस में 97.2% अंक लाकर टॉपर बना। साइंस में दूसरे नंबर पर रही कोमल, जिसने कुल 96.4% अंक प्राप्त किया। डीएवी स्कूल में रिजल्ट जानकर छात्राओं में काफी हर्ष देखा गया। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों ने अपने माता पिता, शिक्षकों, दादा दादी को श्रेय दिया। कुछ बच्चों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की इच्छा जताई तो किसी ने IAS बनने की। पूरे देश की बात करें तो 98.85% छात्र सफल हुए हैं। वहीं छात्राओं का प्रतिशत 88.58 रहा। कितना परसेंट है? 95%। कौन स्कूल से पढ़ रहे हैं? आगे क्या करना चाहते हैं? आगे अभी सोचा नहीं है, IAS की तरफ जाने का मेरा प्लान है। आगे जैसे इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स सबको बहुत सपोर्ट किया। टीचर्स लोग ने भी उतना ही सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने भी उतना ही सपोर्ट किया। अब मेरा नाम कोमल है, मुझे 96.4% आया है CBSE क्लास 12। क्या चीज में टॉप किया? कंप्यूटर में 99%, मैथ्स में 99% और बाकी सब्जेक्ट में 95%, इंग्लिश में 94%। प्योर साइंस। क्या करना चाहते हैं आगे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। अच्छा बहुत लग रहा है, सोचा नहीं था कि टॉपर हो जाऊंगा और इसके लिए माता पिता, लोकल गार्जियन, मैं मौसा मौसी और इसके साथ सबसे बड़ा एक रोल रहा है मेरे टीचर्स का, उनको श्रेय मैं जरूर देना चाहूंगा इस चीज़ के लिए। आप मोबाइल यूज करते हैं? हाँ, एक छोटा सा मोबाइल है मेरे पास। कितना टाइम देते हो व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप आईडी नहीं है, फेसबुक है। दिन में दो बार तक मुझे चला देते हैं। दो बार चलाने के बावजूद भी आप संभल रहे हैं, क्या कहोगे अपने साथियों? देखो, सिर्फ पढ़ना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही पढ़ना है, दिन रात घिसना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना पढ़ोगे उसको बहुत सिंसियरली पढ़ना। और एक कि ऐसा कुछ नहीं है जो फोन पे लगे रहते हैं जो बाहर। मैं बहुत बाहर निकलता हूँ, मैं हर सैटरडे जुबली पार्क घूमने आता हूँ 2 घंटे के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने पढ़ाई को, हम ये कहेंगे कि कंप्रोमाइज मत करो, उसकी भरपाई करो। अगर तुम इतना टाइम खेलने में दे रहे हो तो उतना ही टाइम पढ़ने में भी दो, ये बहुत मायने रखता है। जी, मैंने आगे के लिए सोचा है मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। रिसर्च करना चाहता हूँ इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता और कैंसर की बीमारी पे। डीएवी की प्राचार्य प्रज्ञा सिंह ने छात्रों के प्रदर्शन पर संतोष जताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तरह इस साल भी अच्छा रहा और काफी बच्चे अच्छा किए। हर बच्चा अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है और उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और बच्चे जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। ये एक रिजल्ट है, आने वाले जिंदगी में उनको कई इम्तिहान देने हैं और वो उसमें जरूर सफल रहेंगे। डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों को, क्योंकि जिंदगी में एकेडमिक्स एक पार्ट ऑफ आपकी जिंदगी का एक पार्ट होता है, एक पहलू होता है और आपके पास बहुत सारे विकल्प अवेलेबल हैं आज के डे में, जिससे कि आप अपने करियर को संवार सकते हैं। और एक अच्छा इंसान बनना अच्छे मार्क्स लाने से ज़्यादा अच्छी बात होती है और मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो अच्छे इंसान हैं वो 10% 5% कम भी लाते हैं, वो जिंदगी में ज़्यादा अच्छा करते हैं, ज़्यादा हासिल करते हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी की 25वीं पुण्यतिथि पर जिले के कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और पौधारोपण भी किया। स्वर्गीय राजीव गांधी की 25वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को जिला अध्यक्ष विजय खान की मौजूदगी में
बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामाश्रय प्रसाद सिंह, एसआर रिजवी छब्बन समेत अन्य ने स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इसके अलावा स्वर्गीय गांधी की याद में तिलक पुस्तकालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। वर्मा जी, पानी डालिए। वर्मा जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 25वें पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी गई और साथ साथ में उनके नाम से एक कांग्रेस ऑफिस तिलक पुस्तकालय में एक पेड़ का, सारे हमारे सीनियर लीडरों के उपस्थिति में एक पेड़ लगाई गई। इस पेड़ को हम लोग याद करेंगे और इसको राजीव गांधी जी की याद में लगाए हैं। प्रदेश से कार्यक्रम के तहत आज हम लोग ओल्ड एज होम एज में भी जा करके गरीबों के बीच में वितरण करेंगे फल का, ये कार्यक्रम इसके बाद है। और राजीव गांधी जी ने जो विकास के लिए इस देश में जो आज समृद्धि दिख रही है, सच में दिल से लोग, जनता आज उनको श्रद्धा अर्पित करने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने की। वहीं दूसरी ओर स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र झा के नेतृत्व में साक्षी क्षेत्र में रैली निकाली गई एवं उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रण लिया गया। बहुत ही परम प्रिय दिवंगत नेता राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है और आज हम लोग कांग्रेस परिवार के लोग यह संकल्प लेते हैं कि सांप्रदायिक शक्ति, देश को तोड़ने वाली शक्ति को हम जल्द से जल्द सत्ता से बाहर करेंगे और देश को जोड़ने वाले शक्ति को एकजुट कर हम नए हिंदुस्तान के कल्पना के साथ हिंदुस्तान की विकास चाहेंगे। बुद्ध जयंती पर बौद्धि सोसाइटी द्वारा शनिवार को पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी शामिल हुए। बुद्ध जयंती पर बोधि टेम्पल में शनिवार को बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबियों ने अनुष्ठान में भाग लिया और विश्व शांति की कामना की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को सेवा से परिपूर्ण धर्म बताया। वहीं दूसरी ओर बुद्ध जयंती के मौके पर शनिवार को बोधि सोसाइटी द्वारा बौद्ध मंदिर प्रांगण में ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सोसाइटी से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सारे विश्व में 2560वां बुद्ध जयंती मनाया जा रहा है और विशेषकर आज हमारे इस बोधि सोसाइटी का डायमंड जुबली है। हम लोग बुद्ध जयंती आज हमारे इस बौद्ध विहार में बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। कल हम लोगों ने हॉस्पिटल में फ्रूट्स का वितरण किया, चेसर होम में हम लोगों ने वहाँ सभी लोग, वहाँ के जितने बच्चे हैं सबको हम लोगों ने खाना खिलाया। अभी सुबह भोर 5 बजे से ही पीस और शांति के लिए प्रार्थना सभा हमारे इस सोसाइटी प्रांगण में हुआ। अभी 9 बजे ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन किया गया है, साथ ही साथ हेल्थ कैंप का भी आयोजन हमारे यहाँ हुआ है। उपायुक्त कार्यालय के प्रेक्षागृह में शनिवार को बेहतर कार्य प्रणाली को विकसित करने को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिला प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को सफलतापूर्वक कार्यों का निष्पादन करने, लंबित मामलों का निष्पादन करने, विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखने के अलावा अन्य बिंदुओं पर रांची से आए विशेषज्ञों ने अपनी बातें रखी।
कार्यशाला सह विचार गोष्ठी में एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी के अलावा सभी डीएसपी, सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। ट्राई सेशन का काम जा रहा है और इधर जितना कोर्ट का समन है, वारंट है, सबको समय पर तामिला कराना है, उसको हम लोग सब कुछ उसका जो ऑनलाइन करवा रहे हैं, जितना वारंट और समन वगैरह मिलता है एसपी ऑफिस में, वो सब थाना में हम लोग जो है मेल के थ्रू भेजेंगे और उधर का एग्जीक्यूशन करके वो भी थ्रू ईमेल वापस आ जाएगा और उसका मॉनिटरिंग बेटर होगा जितना वारंट और समन का डिस्पोजल में, और जितना कोर्ट का काम है सबका जो है उसको तेजी लाने के लिए। और बहुत बार शिकायत ये आता है कि विटनेस समय पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, उसको लेके कोर्ट को भी परेशानी हो रही है, ये सब दूर करने के लिए हम लोग जो है सबको ऑनलाइन कर रहे हैं, उसी का प्रशिक्षण अभी दे रहे हैं। घाटशिला जेल में बंद महिला नक्सली बसंती पातल को शनिवार को इलाज के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमजीएम अस्पताल लाया गया। बसंती पातल पिछले 6 वर्षों से घाटशिला जेल में बंद है। उस पर नक्सली गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमजीएम अस्पताल लाया गया। नक्सली कैसा कैसा कहाँ से गिरफ्तार हुई, कुछ जानकारी है? कुछ जानकारी है कहाँ से गिरफ्तार हुई थी? नहीं मालूम। किसी दस्ता में काम करती थी? नक्सली है। नक्सली किसी दस्ता उस्ता में? वो हमको उतना जानकारी नहीं।